भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के यूपी से लेकर बिहार तक लाखों लोग फैन हैं। उनकी अदाकारी और उनकी खूबसूरती का ही कमाल है कि आज वो भोजपुरी सिनेमा का जाना माना नाम बन गई है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि अक्षरा एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेहतरीन सिंगर भी हैं। और अक्षरा ने अब तक कई म्यूजिक वीडियोज में अपनी आवाज दी है। 30 अगस्त 1993 में जन्मी अक्षरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। उन्हें बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। अक्षरा सिंह के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन की फिल्म सत्यमेव जयते से की थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा में टॉप मानी जाती है। दोनों के बीच अफेयर की चर्चाएं भी खूब रही हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब इन दोनों के रिश्ते बिगड़ गए और अक्षरा ने पवन सिंह पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। खबरें तो यहां तक थी कि पवन सिंह ने बाल पकड़कर अक्षरा को घसीटा और उन्हें गंदी गंदी गालियां भी देते थे। वैसे आपको शायद ही इस बारे में पता होगा कि अक्षरा भोजपुरी फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी अभिनय कर चुकी हैं। अक्षरा ने अपने एक्टिंग की शुरुआत जी टीवी के सीरियल काला टीका से किया था। इसके बाद अक्षरा सोनी टीवी के सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण में भी नजर आए, लेकिन इन सब से उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली। टीवी में अक्षरा सिंह कुछ कमाल नहीं दिखा पाई तो भोजपुरी सिनेमा की तरफ रुख कर लिया और यहाँ उनकी गाड़ी चल पड़ी। अक्षरा को पहली ही फिल्म में भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन के साथ काम करने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज अक्षरा एक फिल्म के लिए 5 लाख से 8 लाख रुपए चार्ज करती हैं। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे अक्षरा सिंह के बारे में, जरूर बताएं अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।